हाय दोस्तों, मैं दूर आप सभी का वैलेंसिया 3 की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो अब बिना टाइम पास के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये अपनी सेकंड वीडियो, तो चलो बिना टाइम पास के थोड़ी सा मैंने अपडेट किया। तो देखो मैंने ये देखो एक पोर्टल खोला है, नेदर पोर्टल, और ये छोटा सा मैंने घर बनाया है ओपी लेवल का। तो देखो ये मार्बल लगा दिए, यहाँ पे कैरेट लगा दिए और यहाँ पे फर्नेस लगा दिए। तो देखो ये पिलर लगाए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा था इसलिए वीडियो थोड़ी लेट है, अदरवाइज़ वीडियो टाइम पर आ जाती, बट ये थोड़ा सा मैं सेटअप तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं नेदर पोर्टल क्यों ओपन किया, क्योंकि मेरे को ब्लास्ट फर्नेस बनाना है। ब्लास्ट फर्नेस क्यों वो भी आगे बताएंगे, बट अभी अपन नेदर में चलते हैं और नेदर रैंक और मैग्मा ब्लॉक लेके आ जाते हैं। वहीं से ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट ब्रिक बनेगी और फिर जाकर अपन ब्लास्ट फर्नेस बनाएंगे। तो फिलहाल अपन ले लेते हैं अपना मैग्मा ब्लॉक। ओ भाई साहब कितना अच्छा, मतलब लग कर देखो आते ही मिल गया, तो मेरे को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यार यहाँ पर ज़्यादा फिरना अच्छा नहीं है क्योंकि नेदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैग्मा ब्लॉक ले लेते हैं और थोड़ी बहुत नेदर रैक ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं फिरने वाला क्योंकि मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का डे है और मैं मरना नहीं चाहता। तो फिलहाल अभी अपना सामान ले देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल मैंने ले लिए जो चीज़ें चाहिए थी, अब चलते हैं जल्दी से अपने घर पर, अदरवाइज़ यहाँ पे यार मरने का डर रहता है इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में, तो अपने चलते हैं और अपन ब्लास्ट ब्रिक बना लेते हैं और एक किलन भी बनाना था, अलॉय किलन। तो ये दो चीज़ें बनानी थी, देखेंगे आपको। मेरे को स्टील बनाना है तो मेरे को ब्लास्ट ब्रिक बनानी पड़ेगी, तो जल्दी से ब्लास्ट ब्रिक बना लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो ये मेरे को एक ये भी चाहिए होगा लालटेन, क्योंकि आगे की प्रोसेस आएगी जब ये काम आने वाला है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल अभी इसको लेते हैं और अंदर चलते हैं और अपनी ब्लास्ट ब्रिक बनाकर अपना ब्लास्ट फर्नेस बना लेते हैं। तो जल्दी से देखते हैं ब्लास्ट ब्रिक कहाँ गई। ये ब्रिक नहीं बनानी थी मुझे, क्ले की, क्योंकि मुझे बनानी थी ब्लास्ट ब्रिक, ये रही। तो मेरे को चाहिए होगी 24, तो ये रखा मैंने, सारी चीज़ें रख देता हूँ जितनी चीज़ें इसको चाहिए, तो मेरे को 24 के आसपास चाहिए होगी। तो ये बन गई 24, तो लगभग बहुत है यार, और भी पड़े हैं तो एक और बनाते हैं, 27 बना लेता हूँ। तो 27 बन के तैयार है, तो अब जल्दी से अपन बना लेते हैं अपना फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। तो ये मैंने छोटा सा बेस बनाया है इसके लिए, यहाँ पे मैं ब्लास्ट फर्नेस बनाने वाला हूँ अपना, क्योंकि यार मुझे स्टील चाहिए यार, अब स्टील की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टील चाहिए होगी। तो जल्दी से यहाँ पे थोड़े बहुत और लगा देता हूँ और जल्दी से इसको लगाऊँ ब्लास्ट ब्रिक को। तो 27 मैंने लगभग पूरी बनाई है, अप्रोक्स जितनी मुझे चाहिए थी, तो 27 पूरी लग गई। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रिंग चाहिए यार, क्योंकि यार मेरे को इंजीनियरिंग हैमर बनाना है और उसके लिए स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ से स्ट्रिंग लेता हूँ और फिर यहाँ से कट लेता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं मरने का डर रहेगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाले मॉब है। देखो मेरे 3 हार्ट हैं। जल्दी से घर पे निकलते हैं और फिर आगे की प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। तो मुझे एक इंजीनियरिंग हैमर बनाना है, तो मैं पहुँच गया हूँ घर और अब जल्दी से बना लेते हैं अपना इंजीनियरिंग हैमर। तो इंजीनियरिंग हैमर यहाँ से बना लेते हैं, कहाँ पर गया इंजीनियरिंग हैमर। तो उसके लिए एक आयरन और एक स्टिक चाहिए होगी शायद, और ये अपना बन के तैयार है इंजीनियरिंग हैमर। तो अब अपन को एक इंजीनियरिंग बुक और बनानी है, इसके अंदर सारी रेसिपी है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मेरे पास यार शुगर कैन नहीं है पेपर के लिए, तो यार मुझे शुगर कैन ढूंढ के लाना पड़ेगा यार। तो कोई बात नहीं, जल्दी शुगर कैन ढूंढ के लाते हैं और फिर पेपर बनाकर ये बुक भी बना लेते हैं, आगे प्रोसेस देखते हैं। तो निकलते हैं अभी यहाँ से शुगर कैन लेने। तो फिलहाल यार मुझे शुगर कैन नहीं मिल रही है यार, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे जाके और देखते हैं इधर कुछ मिल ही जाए। तो देखते हैं जल्दी से आगे निकलते हैं, और इधर यार ग्रेवल ही ग्रेवल है यार, कोई बात नहीं। और ये क्या चीज़ है यार, ओ भाई इतने सारे, ये कौन से यार, कौन सा एनिमल है ये यार, सील, आई डोंट नो ये कौन सा एनिमल है, और इसके पैर नहीं है यार, ये डॉल्फिन जैसा है यार, ये डॉल्फिन तो नहीं है, सील है, पता नहीं क्या चीज़ है, आई डोंट नो पता नहीं क्या है, इसको मार के देखते हैं। इसको कुछ मिला तो नहीं, डाई मिली है। और ये देखो शार्क, रियली में शार्क है, पर मार क्यों नहीं रही यार, पैसिव नहीं है क्या ये, आई डोंट नो, इसको मार के देखते हैं पर ये क्या करती है। ओ भाई इससे तो पंगा लेके बहुत बड़ी गड़बड़ की है, ओ भाई। 5 minutes later, तो मैंने शार्क से पंगा लेके बहुत बड़ी गड़बड़ की। तो फिलहाल मैं शुगर कैन लेके आ चुका हूँ, तो जल्दी से पेपर बना लेते हैं और फिर अपनी इंजीनियरिंग बुक वाली वो बुक बना लेते हैं, क्योंकि यार उसके अंदर बहुत सारी रेसिपी हैं यार। तो वो बुक कहाँ पर गई, ओ भाई बुक कहाँ है, ये रही। तो इस बुक को जल्दी से बना लेते हैं, और इसके लिए बस एक ये बुक चाहिए मेरे को, और ये बनके तैयार है अपनी बुक, और ये इंजीनियरिंग वाली बुक भी बनके तैयार है।
तो अब अपन इंजीनियरिंग वाले काम भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी मतलब रेसिपी हैं, क्या क्या मशीनें बनेंगी, मतलब एडवांस वाली वो इसके अंदर है। तो फिलहाल ये अपन को एक इसको ऑन कर देता हूँ मैं अभी हैमर मार के, और इसके अंदर रख देते हैं आयरन, और इसके अंदर शायद चारकोल रखना पड़ेगा, तो मैंने इसके अंदर चारकोल रख दिया है, तो जल्दी से स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा स्टील में कन्वर्ट होने में। तो अब मुझे एक अलॉय किलन और बनाना है, तो उसके लिए मेरे को अलॉय ब्रिक बनानी पड़ेगी, और उसको बनाने के लिए मेरे को सैंड स्टोन और ब्रिक चाहिए। तो सैंड स्टोन नहीं है और ब्रिक तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, तो फिलहाल यहाँ से मैं सैंड निकाल लेता हूँ। मैं आपको सैंड स्टोन बनाना बता देता हूँ कैसे बनता है। तो चार सैंड चाहिए होगी, तो थोड़ी बहुत सैंड निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखो इसको ऐसे रखना है और ये बन जाएगा अपना सैंड स्टोन, और यही चाहिए अपन को अलॉय किलन बनाने में। तो मैं थोड़ी सी सैंड स्टोन बना लेता हूँ जल्दी से। तो फिलहाल सैंड स्टोन बन के तैयार है, तो अपन अलॉय किलन बना लेते हैं। तो ये दो बन गए, मुझको चाहिए होंगे 12, तो जल्दी से आठ चाहिए होंगे, तो जल्दी से 8 बना लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल मैंने 8 बना लिए और मैं घर पे भी आ चुका हूँ। अब जल्दी से इस अलॉय किलन के लिए मैं बेस देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको बनाता हूँ, ये 4x2x2 का बनेगा, तो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको बनाओ, और अब यहाँ पे लगाना है ये अलॉय ब्रिक, और ये लगानी है 2x2 पे लगानी है ऐसे, और इसके ऊपर मारना है इंजीनियरिंग हैमर। तो इधर किधर भी मारो ये शायद बन जाएगा, और ये बन के तैयार है। तो इसके अंदर भी बताएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रियम इंगट बनेगा, तो वही बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यार मुझे एक फर्नेस और बनाना पड़ेगा, उसका नाम है कोक फर्नेस। तो यार मुझको कोक ब्रिक और बनानी पड़ेगी यार। तो ये देखो कोक फर्नेस है ना, इसको बनाने के लिए अपन को कोक ब्रिक बनानी पड़ेगी, और उनको बनाना भी एकदम ईजी है। तो मैं जल्दी से कोक फर्नेस और बना लेता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो कोक ब्रिक है, तो मैं जल्दी से कोक फर्नेस बनाकर अभी आपको 2 सेकंड में मिलता हूँ अभी 2 सेकंड में। फिलहाल अपना कोक ब्रिक भी बनके तैयार है फर्नेस। तो इसके अंदर अपना केरोसोटिक ऑयल बनेगा, तो ये ऑयल इसमें बकेट डाल देता हूँ मैं, और अपन को ये ऑयल मिल जाएगा। फिर अपन एक वुड बनाएंगे, तो उससे आपको आगे की प्रोसेस बताऊँगा। तो फिलहाल इसके अंदर एक बकेट 1000 ml आएगी शायद, तो देखो एक बकेट मिल गई है। तो अब इसका यूज़ ही बता देता हूँ, और ये कोक का तो यूज़ पता नहीं, बट ये ऑयल मिल गया है, उससे एक वुड बनेगी, तो वुड भी बनाना बताएंगे अभी आपको। तो देखो मैं आपको इस ऑयल का यूज़ बता दूँ, इसको सेंटर में रखना है और इसके चारों तरफ प्लैंक रखने हैं, और इससे अपन को मिलेगा ट्रेटेड वुड प्लैंक, और इससे अपन वाटर मिल बनाने वाले हैं। और क्योंकि आज थोड़े से एनर्जी का जुगाड़ कर लेते हैं, फर्स्ट डे है तो थोड़ी बहुत एनर्जी होनी चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत और ऑयल मिल जाए तो मैं ट्रेटेड वुड थोड़ी बहुत और बना लेता हूँ, और फिर अपन बनाएंगे थोड़ा सा और ट्रेटेड वुड, और फिर बनाएंगे अपनी वाटर मिल, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी का जुगाड़ करना है। तो फिलहाल अभी जल्दी से ट्रेटेड वुड बना लेते हैं और अंदर चलते हैं, और फिर इस ऑयल का यूज ले लेते हैं। तो फिलहाल इसको ऐसे रखना है, और अपनी थोड़ी बहुत और ट्रेटेड वुड बनके तैयार है। तो अपन बना लेते हैं वाटर मिल सेगमेंट, और इसी से अपनी वाटर मिल बनेगी। तो फिलहाल अपनी ट्रेटेड वुड बहुत काम आने वाली लिटरली, तो मैं ऑफलाइन थोड़ी बहुत और बनाऊंगा, बट अभी के लिए इतनी बहुत है, क्योंकि अपन को 4 वाटर मिल बनानी है। तो मैं आपको एक बना के बता देता हूँ, उससे पहले अपन एक डायनोमो बनाते हैं, क्योंकि मैन डायनोमो का ही यूज़ है। तो इसको बनाना एकदम ईजी है यार, इसके लिए कॉपर की ये चाहिए होगी, कॉपर कोयल, और इसके लिए कॉपर इंगट चाहिए होगा, और इसके लिए ये प्लास्ट चाहिए होगा। तो प्लास्ट तो बनाना एकदम ईजी है, तो प्लास्ट बन के तैयार है। तो अब अपन कॉपर की प्लेट बना लेते हैं, जल्दी से कॉपर ले लेते हैं, और फिर इसकी प्लास्ट से प्लेटें निकाल लेते हैं। तो ये रखी मैंने प्लेट, और ये मिली नहीं क्यों, इंजीनियरिंग हैमर चाहिए मुझे शायद ये बनाने के लिए अपन को इंजीनियरिंग हैमर चाहिए। ओ भाई साहब, तो इंजीनियरिंग हैमर मेरे पास यहीं पे पड़ा था ना, तो इंजीनियरिंग हैमर ये रहा। तो मैं जल्दी से इसकी प्लेटें बना लेता हूँ कॉपर की। तो इसको रखा, ये कॉपर रखा, और इसकी थोड़ी बहुत प्लेटें बन के तैयार हैं। और अब इस कॉपर की प्लेट से अपन वायर निकाल लेते हैं, तो इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, यहाँ पे रखो प्लास, और ये प्लेटें रखो, और इससे ये वायर निकाल लेते हैं कॉपर वायर। और अब अपने बन के तैयार है, तो अब जल्दी से अपन बना लेते हैं अपनी डायनोमो, वो डायनोमो नहीं, इसका डायनोमो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अब अपन बना लेते हैं LV वायर कोयल, तो मुझको 8 चाहिए होंगी, और फिर अपना एक डायनोमो बन के तैयार है। तो जल्दी से बना लेता हूँ मैं थोड़ी से LV वायर और ये 8 बन के तैयार है। तो अब जल्दी से एक डायनोमो का ये बना ले सेंटर वाला, तो कॉपर का ये बन के तैयार है। अब अपना डायनोमो शायद बन जाएगा। तो रेड स्टोन तो यार मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, लिटरली बहुत सारा। तो ये अपना डायनोमो भी बनके तैयार है, बना लेते हैं जल्दी से। तो ये डायनोमो अपना बनके तैयार है, तो अब जल्दी से वाटर मिल और बना लेते हैं। डायनोमो तो बन गया है, तो वाटर मिल के लिए भी लगभग अपने पास सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो जल्दी से वाटर मिल के लिए थोड़ी सी स्टिक चाहिए, और फिर अपन 4 वाटर मिल बनाने वाले हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, फिर 4 मैं ऑफलाइन बनाऊँगा। तो फिलहाल एक इसके लिए स्टील चाहिए,
तो स्टील मैंने इसीलिए बनाया था। तो फिलहाल अपनी एक वाटर मील बन के तैयार है, तो एक वाटर मील बन गई है, तो फिलहाल मैं अभी तीन और बना लेता हूँ, मिलता हूँ आपको दो मिनट में। तो फिलहाल मैंने चार वाटर मील बना लिए है, तो थोड़ा सा बेस बना देता हूँ और ये पानी का एरिया काम आएगा, यहाँ पे वाटर मील लगेंगी क्योंकि वाटर मील तो पानी से चलने वाली है। तो देखो सामने की तरफ ये लगा दिया मैंने डायनमो, और इसके ऊपर लगानी है अब ये अपनी वाटर मील। तो एक और ये लगाई दूसरी, ये लगाई तीसरी और ये लगाई चौथी, और ये वाटर मील चलना स्टार्ट हो गई और ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो फिलहाल इसके बारे में आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखो एनर्जी आपको यूज़ दिखाऊंगा, अभी ये करंट नहीं मारेगा क्योंकि अभी इसके अंदर एनर्जी है, बट आपको इसका यूज़ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टाटा सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।